नागरिक संशोधन कानून बन गया है। ऐसे में उसका पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम उसको लागू नहीं होने देंगे। यह बात मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने इंदौर में शुक्रवार की शाम को एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। राकेश सिंह बोले कि मुख्यमंत्री के पास अधिकार ही नहीं है कि वो इसे लागू ना होने दे, लेकिन जानबूझकर मध्य प्रदेश का वातावरण खराब हो ऐसी स्थितियों का निर्माण करने की कोशिश मध्य प्रदेश में हो रही है और देश में भी हो रही है। दरअसल बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की इंदौर यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह इंदौर आए थे। हम आपसे यही तो कह रहे हैं, जो आपने कहा वही मैं चाहता हूं कि सारे भाई बहन हमारे समझें कि ये वर्षों से भटक रहे हैं। आखिरकार इनको नागरिकता देने का काम देश की आजादी के 70 साल के बाद अब हो रहा है। दोनों हाथों से वो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि यह मुट्ठी भर चुनिंदा लोग हैं जो वातावरण खराब करना चाहते हैं। वर्षों से इस बात की प्रतीक्षा हो रही थी कि ये कानून बने। मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि इस कानून में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिससे किसी भी तरह से भारत में आपके अधिकारों का हनन होता हो, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। राकेश सिंह ने कहा कि यह कानून केवल और केवल धार्मिक प्रताड़ना झेलकर देश के भीतर आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लिए है जो भारत में अपनी नागरिकता की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़कों पर उतरे हुए लोग भी समझेंगे कि उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। युद्ध के लिए युद्ध में तो सवाल तभी खड़े हो गए जब सांची का दूध भी मिलावट वाला मिलने लगा, यूरिया के साथ नकली दूध मिलाकर उसकी सप्लाई होने लगा। मैं इस मुंह से शुद्ध के लिए युद्ध की ये बात करते हैं, ये सारा युद्ध भ्रष्टाचार के लिए है। कांग्रेस के अपने फलते फूलते शराब और रेत के धंधों को संरक्षण देने के लिए है। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या कहें। कहीं कोई चीज शुद्ध के लिए युद्ध वाली धरती पर दिखाई दे रही है? जहां माफिया राज के नाम पर जो कार्यवाही हो रही है, मैं तो उस पर भी कहा माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुन चुन कर उसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या ऐसे वो व्यापारी और व्यवसायी जो इनकी सुविधानुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, मैं बात को दोहराना चाहूंगा, जो इनकी सुविधानुसार कार्य नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं।